नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे हैं, वही मैं आपको दिखाऊंगी और उनका रेट बताऊंगी। सारे ही प्लांट्स बहुत सुंदर हैं और सभी परमानेंट प्लांट हैं। तो जितने भी प्लांट्स मैंने अब इस बार लिए हैं वो सभी ऐसे हैं जो एक बार लो तो सालों साल चलते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया प्लांट हैं। पूरी गर्मी फूल देते हैं और सर्दियों में भी इन पर थोड़े थोड़े फूल आते रहते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और इसके अलावा मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ली हैं, जैसे कि कंपोस्ट, कोकोपीट, उनका भी रेट मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों देखिए, ये मैंने दो बास्केट्स ली हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और मेरे पास ये नहीं थी। तो मेरे पास 15-20 तरह के हैंगिंग प्लांट हैं, जो भी फिर नया दिखता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि बालकनी में सबसे ज़्यादा मैं हैंगिंग बास्केट ही टांग सकती हूँ कम जगह में। तो ये दोनों मेरे पास नहीं थे, बहुत ही सुंदर लगे मुझे, इनके कलर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों ही बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी और इनके कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो ये मैंने ली हैं। इनके नाम मुझे नहीं बताएं, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं मुझे। इसका कलर देखिए कितना सुंदर है, ग्रीन भी है हल्का हल्का और बहुत ही डार्क मैरून, बीच में अलग कलर है लाइट, बहुत ही सुंदर इसका कलर है। और जो दूसरी बास्केट है वो बिल्कुल ग्रीन कलर की है। तो दोनों ही प्लांट नए थे, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं लिए। एक बास्केट 200 रुपये की है, महंगाई बहुत ज़्यादा है नर्सरी में आजकल, और हैदराबाद में तो काफ़ी महंगे हैं प्लांट और भीड़ भी बहुत रहती है, यानी कि बहुत लोग गार्डनिंग कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। जब भी नर्सरी जाओ बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो देखिए ये ग्रीन वाला भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसका भी नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन बस बहुत अच्छे लगे दोनों और मेरे पास थे नहीं इसलिए दोनों प्लांट मैंने लिए। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए। तो 100 रुपये की तो बास्केट ही आती हैं आजकल, तो 100 रुपये का प्लांट लगा लीजिए। तो बास्केट भी है, इसमें मिट्टी वगैरह सब अच्छे से दी होती है और लगा के, तो इसलिए भी थोड़ा महंगे होते हैं प्लांट। तो 200 रुपये का एक है। नेक्स्ट प्लांट मैंने लिया है ये, इसको जूही का प्लांट बोलते हैं या फिर कुछ और नाम है तो आप ज़रूर बताइए। बहुत ही सुंदर इसकी खुशबू होती है, सफ़ेद फूल होते हैं। स्टैंड भी बनाया हुआ है क्योंकि बेल होती है इसकी, तो बहुत ही सुंदर तार से और लकड़ी लगा के इसका अच्छे से स्टैंड बनाया हुआ है ताकि इस पे चढ़ जाए अच्छे से। और बहुत सारे फूल इस पर आ रहे हैं और इसके फूलों की खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत ही सुंदर खुशबूदार फूल होते हैं इसके। जब से मैं इस प्लांट को लाई हूँ पूरे घर में खुशबू हो गई है, तो बहुत ही सुंदर खुशबूदार प्लांट है जूही का, ये आप ज़रूर लीजिए। उस पर फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये प्लांट भी 200 रुपये का है क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट लिया है एक्जोरा का, ये प्लांट मेरे पास था, दूसरे कलर का है ऑरेंज कलर का, ये पिंक का वाला मेरे पास नहीं था तो ये लिया है कि ये 60 या 70 रुपये का आया है। और इस प्लांट में की जो खास बात है वो इसलिए कि इसमें एक साथ 3 प्लांट लगे हुए हैं। तो नर्सरी पर जब भी आप जाएँ तो थोड़ा टाइम दें और देखें कि कौन सा प्लांट लेना है, कभी कभी ऐसे प्लांट भी हमें मिल जाते हैं। इसमें मैंने देखा साइड में, देखिए इस पर सफ़ेद फूल आ रहे थे, तो ये एक ही प्लांट में मुझे 3 प्लांट शायद मिल गए हैं, क्योंकि तीसरा भी एक और है साइड में लग रहा है इसमें, उस पर फूल तो नहीं है लेकिन तीनों की अलग अलग मुझे नीचे से ब्रांचेस दिख रही थी। तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा, तीनों एक साथ लगे हुए हैं अलग अलग कलर के हुए, तो और भी अच्छा है। ये तीसरा है देखिए, तो नीचे से देखिए 3 ब्रांच आ रही हैं, मुझे लग रहा है 3 प्लांट हैं। अभी मैं इसको निकालूंगी, जब रिपोर्ट करूंगी तो पता चलेगा। तो एक ही प्लांट में ये 3 हैं, तो बहुत ही बढ़िया अच्छे में ये प्लांट मिल गया है। तो कुछ प्लांट सस्ते मिल जाते हैं कुछ महंगे, तो एवरेज सही आ जाता है। तो ये कोलियस का लिया है, ये वाला कलर नहीं था मेरे पास, कोलियस के मेरे पास 2-3 प्लांट हैं लेकिन ये वाला नहीं था। तो अलग अलग रंग के इसके प्लांट अच्छे लगते हैं, 50 रुपये का है, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते ये। जेट प्लांट लिए हैं 2, क्योंकि जेट प्लांट मुझे 50 रुपये का ये मिला है, 2 प्लांट 50-50 रुपये के मैंने लिए हैं। पिछली बार मैंने एक जेट प्लांट लिया था वो एक ही 100 या 150 रुपये का आया था, तो इस बार मुझे जब 50 में मिल रहे थे तो मैंने 2 ले लिए, क्योंकि जेट प्लांट अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट है और काफ़ी ब्रांचेज हैं इस पर, बहुत ही हेल्दी प्लांट थे।
तो दो प्लांट ये लिए हैं मैंने और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्लांट है ये शायद मोगरा है, चमेली है, मुझे नहीं पता, अभी जब फूल खिलेगा तो और अच्छे से पता चलेगा। मेरे पास मोगरे का प्लांट है लेकिन उसकी पत्तियाँ थोड़ी अलग हैं, इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी अलग लगी मुझे, तो लगा कि शायद इसकी थोड़ा अलग फूल आएंगे, क्योंकि इसमें चमेली मोगरा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है मुझे, फूल एक जैसे ही लगते हैं, बहुत ही खुशबूदार भी होते हैं। तो ये प्लांट एक लिया है, ये 80 रुपये का है, बहुत सारे इस पर कलियाँ हैं, बहुत सुंदर प्लांट है ये। एक प्लांट ये मधुमालती का लिया है, मधुमालती का प्लांट भी मेरे पास है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही हेल्दी बहुत ही बड़ा प्लांट था, इसको देख कर मन किया कि ले लो बस, तो ये ले लिया है एक। ये 250 या 300 का था, बड़ा प्लांट है इसलिए महंगा था थोड़ा, लेकिन बहुत सारी ब्रांचेस थी तो ले लिया। एक प्लांट ये लिया है कृष्ण कमल का, कृष्ण कमल की बेल मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी तो मिल नहीं रही थी, अब की बार मुझे दिखी तो ले ली। इसकी जो दूसरी वैरायटी है ब्लू कलर का, उस पर फूल आता है, वो 250 रुपये का प्लांट था, लेकिन ये वो वाला है जिस पर सफ़ेद फूल आता है और इस पर फ्रूट भी लगा हुआ था, देखिए पैशन फ्रूट। फ्रूट लगने से इसकी कीमत और बढ़ गई थोड़ा, तो ये प्लांट काफ़ी महंगा है, शायद 400 का दिया था लेकिन फ्रूट लग रहा था तो इसलिए मैंने भी ले लिया, और इस पर फूल भी अच्छे आते हैं। नेक्स्ट प्लांट लिया है ये कनेर का, कनेर ये ऐसा प्लांट है कि इसको आप कहीं भी लगा दीजिए चलता रहेगा, एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, ऐसे प्लांट 2-4 ज़रूर होने चाहिए गार्डन में जो बस लगे रहें, उनकी ज़्यादा देखभाल भी ना करनी पड़े और अच्छे से फूल देते रहें, ऐसा ही प्लांट है ये। आपने देखा होगा सड़कों पर कितना लगा होता है, ना ही कोई पानी देता है ना कुछ, फिर भी बेचारे फूल देते रहते हैं। इसकी बहुत सारे रंग आते हैं, आजकल सफ़ेद भी अच्छा लगता है इसका, और ये मेरा पिंक लाई हूँ मैं, 50 रुपये का प्लांट है और बहुत ही सुंदर इस पर कलियाँ आ रही हैं, बहुत ही सुंदर लगा ये प्लांट, तो ही मैंने ले लिया है, किसी भी कोने में रख दूँगी जहाँ पर जगह दिखेगी, बालकनी में जगह तो है नहीं, अभी जगह भी बनानी पड़ेगी इनके लिए। नेक्स्ट प्लांट है ये गोल्डन फर्न, ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है तो ये लिया है, ये शायद 100 रुपये का है। इसके अलावा कंपोस्ट लिया है, कोकोपीट ली है, और इसका जो रेट है वो बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया। ये कोकोपीट है, इसका बड़ा ही मैंने इस तरह का पैकेट ले लिया, 20 किलो है इसमें और 200 रुपये की ये मिली है, वरना कोकोपीट काफ़ी महंगी आती है, और अगर आप बॉक्स लो यानी ईंट आती है इसकी वो लो, तो उसको फिर बनाना पड़ता है जो बहुत ही मुश्किल है छोटी जगह में उसको बनाना। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये भी 20 किलो है, ये भी 200 रुपये का है, तो इस तरह का बड़ा पैकेट लेने में काफ़ी फ़ायदा रहता है। अगर आप जैसे ये वाला पैकेट लेते हैं इस तरह का, तो ये 5 किलो ही 200 रुपये का आएगा, और अगर आप ये नॉर्मल इस तरह का बड़ा पैकेट एक बार में ले लेते हैं तो वो 20 किलो आ जाएगा 200 रुपये में ही। तो इस तरह से मैं बड़ा ही ले लेती हूँ ताकि वो पूरी साल फिर चलता रहता है आराम से, और फिर हमें बार बार लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। और कोकोपीट में ही मैं ज़्यादा प्लांट्स इसलिए लगाती हूँ ताकि हल्के रहें, वजन ना रहे बालकनी में ज़्यादा, रेट भी ठीक मिल गया इनका, तो ये ले लिए हैं। और देखते ही देखते हमारे देखिए फूल भी खिल गए हैं कृष्ण कमल के, कितना सुंदर फूल है इसका, बिल्कुल राखी जैसा, इसलिए इसको राखी फ्लावर भी बोलते हैं। इसकी कई वैरायटी आती हैं लेकिन उन सब में ये सबसे ज़्यादा सुंदर फूल लगता है। तो दोस्तों ये सभी प्लांट लिए हैं, सभी परमानेंट हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट हैं, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, बाय।